पंकज क्यों हमला किया किसी ने? मैं तो अपनी क्लास में पढ़ा रहा था सर, बच्चों को सर पहचान तो लेऊंगा। बीएड स्टूडेंट है जो है कि अप्रेंटिस है यहाँ पे, वो क्लास ले रहे थे, उसी दौरान ये बताया जा रहा है कि भाई तीन लड़कों ने आकर के उनके ऊपर चाकुओं से हमला किया। इस वक्त हांसी के सिविल हॉस्पिटल में हूँ। थोड़ी देर पहले ही हांसी के सरकारी स्कूल में छात्रों ने एक टीचर पर चाकुओं से हमला किया है। बहुत बड़ी ये घटना है, बहुत बड़ी ये वारदात है, और टीचर को जख्मी हालत में इसी सिविल हॉस्पिटल में अभी लाया गया है, जहां पर इमरजेंसी में उनका उपचार हो रहा है। उनको कई जगह पर बॉडी में कई जगह चाकू लगे हैं, चाकुओं से वार किया गया। तीन लोग बता रहे हैं, उसमें से एक छात्र ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, दो युवक अलग से हैं, वो इसी स्कूल के हैं या अलग स्कूल के हैं ये भी जाँच के बाद पता लगेगा। पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है। जिस स्कूल की ये जो घटना है, बता दूँ कि हांसी में हिसार चुंगी पर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कहने को ये मॉडल संस्कृति स्कूल भी है, लेकिन आज जो उदाहरण पेश किया छात्रों ने वो बड़ा भयावह था। और ये जो वाक्या हुआ, उस वक्त जो टीचर हैं वो पंकज हैं, ढाणी कुमारान, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही है गांव, वहाँ के रहने वाले हैं टीचर पंकज, और वो कुछ दिन से स्कूल में आ रहे थे। दरअसल उन्होंने बीएड की है, और जो बीएड करने वाले जो छात्र या टीचर, जो भी आप कहें, जो टीचर बनने जा रहे होते हैं, उनको ट्रेनिंग पे स्कूलों में भेजा जाता है, और उसी पर्पज़ से, उसी काम से ये भी पंकज सर भी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे थे, यानी कि ट्रेनिंग पर थे और छात्रों को पढ़ा रहे थे। जिस वक्त वो क्लास के अंदर पढ़ा रहे थे, उसी वक्त तीन युवक वहाँ आते हैं। एक युवक ने स्कूल की बाकायदा ड्रेस पहनी है, और दो युवक अलायदा हैं, वो स्कूल के हैं या अलग के हैं, बाहर से हैं, ये अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन उन तीनों ने मिलकर इस टीचर पर चाकुओं से हमला किया, ताबड़तोड़ हमला किया। अफरा तफरी का माहौल हो गया, और इसी बीच तीनों बताए जा रहे हैं कि पैदल वहां से फरार हो गया। हालांकि स्कूल के बाहर ही एक नाका है जहां पर पुलिस हमेशा तैनात रहती है, लेकिन जब तक पुलिस को पता लगता वो तीनों हमलावर स्कूल से फरार हो चुके थे, पैदल भाग कर गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमारी सिटी थाना प्रभारी हैं कृष्ण कुमार, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि इतला पुलिस को मिल गई थी, पुलिस ये कोशिश कर रही है पता लगाने की भी वो छात्र कौन है, और उनको पकड़ने की भी कोशिश है। और मैं बता दूं कि आज ही सोमवार के दिन नाकेबंदी होती है पुलिस का, हर नाके पे चेकिंग अभियान भी चलता है। चूंकि वो पैदल थे, हमने सवाल भी किया कि पुलिस की नाकेबंदी काम नहीं आई, क्योंकि पुलिस इसी स्कूल के गेट पर भी तैनात होती है, लेकिन वो हमलावर फिलहाल जा चुके हैं, और अंदर जो है पंकज सर का भी इलाज चल रहा है, और शायद प्राथमिक उपचार के बाद में उनको हो सकता है कि रेफर किया जाए। किस लिए चाकू मारे गए, क्या वो उन युवकों से कोई पर्सनल रंजिश थी, या वाकया हुआ क्यों है, इसकी वजह अभी सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना, एक टीचर पर छात्रों ने चाकू से हमला किया है। तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही है, और पुलिस क्या कह रही है एक बार वो भी सुन लीजिए। प्राइमरी बेसिस पे तो हमारे टीचर हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, पंकज नाम के, इनको कोई स्कूल का एक बच्चा है ड्रेस में, दो उनके साथ और बताए गए हैं, और उनको पाँच चाकू मारे हैं, एक यहाँ कंधे में है तीन तो, और एक कुल्ले में है, और एक सातल में है, और बाकी सिचुएशन ठीक है, डॉक्टर साहब से मेरी बात होगी, लाइफ जो है सुरक्षित है। वजह क्या है? नहीं सर, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे सर, अभी हाँ बिल्कुल उसमें, बिल्कुल उसमें है, और डॉक्टर साहब भी कॉन्फिडेंस में है कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, हमें जो अभी सुनने में आया है उसमें एक बच्चा स्कूल ड्रेस में था, दो सियोल में थे, कौन थे पता नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी इस वक्त हैं। सर कैसे कैसे क्या घटना हुई? हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस चलती हैं, और बहुत सारे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स आते हैं जो बीएड कर रहे होते हैं अलग अलग कॉलेजों में, उनके कॉलेज की ओर से रिक्वेस्ट लेटर होता है, उसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो उनमें से हमारे यहाँ अभी भी काफ़ी कई सारे टीचर्स हैं जो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। तो एक मिस्टर पंकज कुमार यहाँ आए हुए थे, तो वो थे हमारे यहाँ पर अभी क्लास में, तो उस समय बाहर से कोई आउटसाइडर बच्चे आए हैं, और उन्होंने उनके साथ हरकत की है, पहले धक्का मुक्की की है, और कोई नुकीली चीज़ भी, जैसे ब्लीडिंग हो रही है जिस हिसाब से खून है, तो उसके कंधे पर कोई नुकीली चीज़ भी मारी है। तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरह की क्या मामला था, किस तरह की उनकी दुश्मनी थी या क्या था पीछे से, क्योंकि वो आउटसाइडर हैं, इन दिनों में एडमिशन्स चल रहे हैं, तो एडमिशन्स में बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं, एडमिशन कराने के लिए भी आते हैं, तो हम इन दिनों में गेट तो मेन बंद नहीं रखते हैं, तो वो उसी का फ़ायदा उठा के अंदर घुसे हैं क्लासरूम के अंदर, और गैलरी से होते हुए गए हैं, और फिर जो देखने वाले बता रहे हैं कि दो आउटसाइडर पर जो ऑटोमोबाइल लैब के गेट के सामने से निकल के भागे हैं, और एक लड़का इस साइड से भागा ऑफिस की साइड से। हाँ, अभी जैसे बच्चों ने बताया है कि एक लड़का इनके जो साथ साथ आया है, या उसने आइडेंटिफाई किया है किस तरह से, कि वो स्कूल ड्रेस में था, तो इसका हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इनकी कोई पहले से दुश्मनी थी, या बच्चा भी कोई इन्वॉल्व हो सकता है, किस तरह की है वो तो ज़्यादा
विद्यालय में सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, हमने एक्सपर्ट को बुला लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग निकाली जा रही है, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। सर बड़ा मामला हुआ है, छात्र बता रहे हैं उन्होंने टीचर पे चाकू से हमला किया है, क्या कुछ इनपुट्स हैं? जी यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक क्लास चल रही थी जिसके अंदर एक बीएड स्टूडेंट है जो है कि अप्रेंटिस हैं यहाँ पे, वो क्लास ले रहे थे। उसी दौरान बताया जा रहा है कि भी तीन लड़कों ने आकर के उनके ऊपर चाकुओं से हमला किया और उनको अभी लेकर के अस्पताल में लेके गए हैं और उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है और अभी स्थिति उनकी थोड़ी सी बेहतर बताई जा रही है। बाकी इसकी हम जाँच कर रहे हैं, जो तीन लड़के थे वो यहाँ से हमला करके तुरंत ही यहाँ से मौके से फरार हो गए, तो हमने अपनी सीआईए टीम को लगा दिया है और हमारी पुलिस की टीम इसमें काम कर रही है, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? अभी तक देखिए अभी हम इसमें पूरा देख रहे हैं, यहाँ पे उनकी पहचान करी जा रही है, अभी तक कोई पहचान हुई नहीं है कि कौन लड़के थे, किसी ने उनको पहचाना नहीं स्कूल में, बाकी कोशिश की जा रही है जितनी जल्दी उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। कैमरे ने सर सीसीटीवी फुटेज वगैरह जी अभी कैमरे के लिए बुलाया है, अभी ऑपरेटर जो है अभी कैमरे को देखा जा रहा है, कैमरे के अंदर फुटेज के अंदर देखें, पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा इसके अंदर। देखिए ये तो अभी पता चलेगा जांच के में, क्योंकि अभी टीचर की भी ये स्थिति इसमें बयान देने की स्थिति में नहीं है, जैसे उनकी थोड़ी सी स्थिति सुधर जाएगी तो कुछ बयान दे पाएंगे, तो कुछ पता चल पाएगा कि कोई आपसी रंजिश है या क्या है, क्या मामला है, अभी तक कुछ डिटेल जो है आगे पता चल पाएगी। पंकज क्यों क्यों हमला किया किसी ने? पता नहीं सर, मैं तो अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे सर बच्चों को। पहचानते हो? सर पहचान तो लेंगे सर, अभी ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में पंकज है और इनको चाकुओं से इन पर वार किया गया है और इन्होंने कहा कि वो क्लास में पढ़ा रहे थे, जिस वक्त उन पर हमला किया गया उस वक्त वो क्लास में पढ़ा रहे थे। इन्होंने एक मत पोस्ट को भी अभी ये बात कही है कि वो क्लास में पढ़ा रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया चाकुओं से और अब सिविल हॉस्पिटल हांसी में प्राथमिक उपचार के बाद उनको रेफ़र किया जा रहा है। और ये बीएड करने के बाद में इनकी ट्रेनिंग रहती है, वो ट्रेनिंग के तहत ही जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये पढ़ा रहे थे बकायदा और उसी दौरान इन पर हमला किया गया। मैं तो क्लास से बाहर आया था ना, बच्चे बोले जी पंकज सर को चाकू मारे, बाहर से बच्चे आए हुए थे, कुछ अभी कंफर्म नहीं है कि मतलब स्कूल के थे या आउटर साइड थे, ये नॉलेज नहीं। बच्चे बता रहे थे जी, क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे, सर पढ़ा रहे थे, तो तीन बच्चे बता रहे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन आई थी थोड़ा सा? अभी पता चला है कि एक टीचर है पंकज, बीएड की प्रैक्टिस करते हैं, वो क्लास ले रहे थे, अभी 20 मिनट पहले तीन बच्चे आए, एक बच्चा तो स्कूल की ड्रेस में था, दो सिविल में थे, आए और वो आते घुसते ही मास्टर जी को चक्कू मार दिए। दो तीन सूचना मिली है, मैं मौके पर गया हूँ, वहाँ खून तो पड़ा हुआ है, लेकिन पता चला है कि भाई वो इलाज के लिए जी झांसी में है, तो यहाँ आए हैं पता करके नार कार्रवाई करें। वो पैदल थे जी, एक स्कूल की ड्रेस में था, दो सिविल में थे, उनके साथ पहचान हुई नहीं है अभी। एक सबसे पहले तो मास्टर जी का हालचाल पूछना जानना जरूरी है और उसके पास जैसी स्टेटमेंट होगी कार्रवाई की जाएगी। आज तो नाकेबंदी भी शायद चल रही सोमवार को कहीं जी, नाकाबंदी चल रही है, लेकिन वो पैदल थे बच्चे, स्कूल की ड्रेस में थे।